अच्छे सहयोगी डी आनंद जी जो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नर देवी माता का जो मंदिर है उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, इतिहास से क्या इस मंदिर का जुड़ा लगाव है, उसके विषय में विस्तृत जानकारी बच्चों को देने का कष्ट है डी आनंद जी। बच्चों को सुभाषीष आशीर्वाद। आज हमारे बीच सर मौजूद हैं, अर्जुन सर को भी प्रणाम। हमारे प्रिंसिपल सर के साथ साथ विद्यालय प्रबंधन के जो भी शिक्षक प्रोफेसर प्रिंसिपल व्याख्याता हैं जो भी हैं, मैं सबों को प्रणाम करता हूँ। हम जहाँ खड़े हैं नरदेवी माता का मंदिर, नाम से स्पष्ट है जहाँ नर की एक बलि हुई थी पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में, कि कालांतर में याद करें आज से ज़्यादा नहीं सर 50 वर्ष पहले ही आपके दादाजी बाबा जी जो भी हो आप सभी लोगों के कम से कम उनकी लंबाई 6.5 फीट से ज़्यादा होती थी, कम नहीं होती थी। वो लंबे होते थे, उम्र भी लंबी होती थी। यकीन करें आजकल शायद स्टैंडर्ड हाइट की लड़कियां और लड़के कम मिलते हैं, यहीं पर भी देख ले स्टैंडर्ड हाइट की लड़कियां और लड़के कम हैं। तो हाइट कमी है, उम्र की सीमा घटी है, इसमें 50 से 60 वर्ष औसत उम्र हो चुकी है। यदि आप गंभीर बीमारियों से बच जाते हैं तब तो आल्हा उदल जिस माता की पूजा करके शक्ति प्राप्त करते थे, यही वो नरदेवी माता का मंदिर है। पहले मंदिर आने वाले समय में इसका जीर्णोद्धार किया गया, मंदिर बड़े रूप में आपके बीच मौजूद है। सामने हनुमान जी का मंदिर है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। यहाँ माता की पूजा पिंडी रूप में होती है। ऐसे भारत में जो भी देवालय है, शिवालय है, दुर्गा माता का स्थान है, तो कई जगहों में हम पिंडी की रूप पूजा करते हैं। यूँ शिवलिंग भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक पिंडी का रूप ही मान सकते हैं, कि जो शिवलिंग भी है तो ऐसा ही एक अद्भुत प्राचीन पत्थर है जिस पत्थर की पूजा करते हैं। यहाँ के महंत बाबा श्री नागेंद्र पुरी जी महाराज जो लगातार विगत कई दशक से इस मंदिर के प्रबंधन को संभाल रहे हैं, और ऐसी मान्यता है यहाँ आने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और जो भी भक्त यहाँ जो मांगता है, यदि आप मांग रही हो कि हम परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाएं, तो बिल्कुल फास्ट होने के लिए थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा माता कहेंगे पढ़ाई कर। अब अर्जुन कुमार सर वहाँ मिले थे इंस्पेक्टर, हम भी इंस्पेक्टर बनेंगे, तो सर मेहनत किए हैं। अब अर्जुन कुमार नाम होने से अर्जुन तो नहीं बन जाएंगे, तो यथा नाम तथा गुण। मैं चाहूँगा क्योंकि कई सारे स्थल हैं जिसे हमें देखना है, घूमना, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, नाइस प्लेस वाल्मीकि नगर, सिचुएटेड विथ इंदौर नेपाल बॉर्डर और बैंक ऑफ गंडक रिवर। और यहाँ पे यहाँ की मुख्य नदी है गंडक नदी। हम आपको संगम स्थल भी दिखाएंगे जहाँ तीन नदियों का मिलन है, सोनभद्रा, ताम्रभद्रा और ये नारायणी नदी। नेपाल में जिसे हम नारायणी नदी कहते हैं, वेद पुराणों में इस नदी का नाम सदा नीरा है। और इस तट पे नारायणी गंडकी माता की महाआरती भी मैं कराता हूँ, इसको शुरुआत मैंने ही की थी। और मंदिर के विकास के लिए, वाल्मीकि नगर पर्यटन के विकास के लिए लगातार कई दशक से मेरा काम चल रहा है, जब सरकार की योजनाएं भी नहीं थी। इस मंदिर के पीछे भजन गाया करता था, मुझे मालूम था एक दिन ऐसा आएगा जहाँ हजारों बच्चे पहुँचेंगे। आज मेरे सपने साकार हुए हैं। पुनः एक बार मैं सभी बच्चों के माता पिता को प्रणाम करता हूँ और खासकर बेटियों के माता पिता, क्योंकि एक डाटा के मुताबिक सर मैट्रिक जो लड़कियाँ करती है उसमें से लगभग 25-30% लड़कियाँ कम हो जाती है, आईए नहीं करती है। आईए कर लेने के बाद लगता है उसकी संख्या और कम हो जाती है जो बीए नहीं कर पाती, और बीए के बाद शायद लड़कियों के भाग्य में शादी ब्याह इस परिवार में पड़ जाती है, शायद एमए नहीं कर पाती है। इसे पीछे छात्रा जाइए क्या आप चाहे आप लोग सर को दिखाएं कि लड़कियां एमए वाले उठा लो भाई, एमए के बच्चे हम लोग।